गौरव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको आने वाले कुछ वीडियो में मैं अब आपको कानपुर और हो सकता है तो लखनऊ भी, बट लखनऊ का भी श्योर नहीं है, इन जगहों के बारे में बताऊंगा, घुमाऊंगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आने वाले आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो अभी सुबह का 4 बज रहे हैं और मैं अभी अपने घर से निकल, फर्स्ट स्टॉप तो वैसे मुझे अभी कानपुर जाना है, बट अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि हो सकता है मैं कानपुर के बाद मैं लखनऊ भी जाऊं, लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या सीन बनता है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कानपुर पूरी दुनिया जानती है। कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटिश कॉरपोरेट घरानों द्वारा स्थापित टेक्सटाइल मिल्स और के बाद इसे यह पदवी मिली। कानपुर देश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। वहीं ज़्यादातर मिले फंड और देखभाल की कमी से बंद हो चुकी हैं। कानपुर ने अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में भी काम किया है, लेकिन आज भी कोई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो मैं इस वीडियो में अभी चलते चलते मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सेवन में राजा कान्हा देव, जो कि कानपुरिया क्लैन के थे, उन्होंने कानपुर विलेज को स्टैब्लिश किया था, जो कि बाद में कानपुर के नाम से जाना जाता है। कानपुर फेमस है अपनी लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कानपुर को हिस्टोरिकली हम कानपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी कानपुर हो गया है। और 2018 में कानपुर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड की सबसे जो यहाँ की जो एयर है उसको सबसे वर्स्ट एयर पॉपुलेशन में काउंट किया गया था। सो हे गाइस, सो अभी मैं आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से अब ये हम सीधा जाएंगे आगरा तक। तो ये रोड आगरा तक जाएगी, तो उसी रोड पे अब रहते हैं। हम देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। आगे इस रोड पे आगरा तक रहते हैं। तो प्लान ये है कि मैं आगरा यहाँ से 1 से 2 घंटा, मुझे लग रहा है 2 से 2.5 घंटे में तो मैं पहुँच जाऊँगा आगरा, बट देखते हैं आगे का सीन कैसा बनता है। तो ये जो रोड है, ये यहाँ से मैंने यहाँ से अपना शुरू किया है, ये रोड मुझे आगरा तक ले जाएगी। तो जैसे ही मैं आगे की बढ़ा तो मुझे सनराइज़ होता हुआ दिखा, तो मैंने यहाँ पर रुक के पहले मैं सनराइज़ को एंजॉय करूँगा और तब आगे मैं बढ़ूँगा। सो टाइम हो गया है मेरे फर्स्ट ब्रेक का। तो ये मेरे को अपने रास्ते में ही यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको
बहुत सारे आउटलेट मिल जाएंगे, फूड स्टॉल और फूड आउटलेट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप रुक के अच्छा सा ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच आप जो भी आप यहाँ पर रुक के कर सकते हैं। खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैं इसी तरह से अभी और भी आगे और सीरीज़ हैं जो मेरी दिल्ली टू कानपुर और लखनऊ, सो उसके मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।